शुरू होगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि काफ़ी पर्यटन स्थल भी है और पर्यटक भी यहाँ पर आ रहे थे, उसमें किस तरह से व्यवस्था है? देखिए बिल्कुल सही बात है, जैसा कि राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए, उदयपुर शहर, उदयपुर जिले की जो नगरीय क्षेत्र है उसके अंदर रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 144 सीआरपीसी के तहत भी आदेश जारी कर दिए गए। इसमें रात्रि में 8 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक नाइट टाइम पूरा कर्फ्यू प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें पुलिस के नाके लगेंगे, फिक्स पिकेट्स लगेंगे, उन पर पुलिस का जाब्ता रहेगा और सिर्फ आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इस तरह की आपात सेवाओं में शामिल है, उनको अलग से कोई पृथक से पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाजारों को, व्यापारिक संगठनों को हमने वापस अपना अनुरोध भी किया है, उनको निवेदन भी किया गया है कि 7 बजे से ही अपना मार्केट क्षेत्र बंद कर दिया जाए, ताकि 7 से 8 एक घंटे के पर्याप्त समय के अंदर अपने अपने घरों तक पहुँच सकें। 8 बजे से भी प्रभावी रूप से नाकाबंदी कर इसको लागू किया जाएगा। सर, जो विवाह समारोह शुरू होंगे उनको किस तरह से राहत प्रदान की जाएगी, उसको लेकर क्या? देखिए, शादियों को लेकर के बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन है राज्य सरकार के, 100 की सीमा तय कर रखी है एक विवाह समारोह में, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ में। इसके लिए सभी वाटिकाओं वालों को, सभी होटलियर्स को अलग से पृथक से कल मीटिंग बुलाया जा करके एक निर्देशित भी किया जाएगा, और जरिए मीडिया और वैसे भी हमने इनको सूचित कर दिया गया कि 100 की बंदिश है, 100 की पालना है, उसको पूर्ण रूप से पालना करें तो ठीक है, अन्यथा पुलिस सख्ती से पालना करवाएगी। इसके पर्यटक स्थलों पर क्या स्थिति रहेगी? सर, बताया ना आपको, 8 बजे के पश्चात में कोई भी स्थल खुला नहीं रहेगा, सिर्फ आपात सेवाओं को छोड़ करके, तो बंद ही रहेंगे।